नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं भाई आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मेरी वॉइस सभी तक क्लियर आ रही होगी। तो सेशन को करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी के। और कैसे हैं भाई आप सभी? क्लियर? आपके सामने एक थॉट लिखा हुआ है और आज सभी को विजिबल भी हो रही होगी अच्छी सी, कि द कैपेसिटी टू लर्न इज ए गिफ्ट। यानी कि चीज़ों को सीखने की जो आपकी क्षमता है या चीज़ों को सीखने की जो आपके अंदर क्षमता है वो एक गिफ्ट है, और द एबिलिटी टू लर्न इज ए स्किल, बट द विलिंगनेस टू लर्न इज ए चॉइस। कि आपको चीज़ों को सीखना है, चीज़ों को ग्रहण करना है, और एक तरीके से किस चीज को कहां से पकड़ के और कैसे सीखना है। आप कभी भी एक अच्छे रास्ते पे चल के बुरी मंजिल पे नहीं पहुंच सकते। उसी तरीके से चोरी, चकारी और ये बाकी सारी चीजों के रास्ते पे चल के आप कभी अच्छी मंजिल को नहीं पा सकते हैं। तो वो चॉइस आपकी है, आपको ही चुनना है कि आपको कहां जाना है। अपने टारगेट्स को देखो और अपने फेलियर्स को देखो और उनसे सीखो और चीज़ों को अचीव करो लाइफ में। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच एंजाइम सेपरेट्स केसिन फ्रॉम मिल्क, दूध में से। ठीक है, अभी तो सभी को विजिबल है आज तो अच्छे से। तो अब एक चीज मैं बात बता देता हूँ। देखिए, आपका एक रेनिन एंजाइम है, एक पेप्सिन एंजाइम है, दोनों ही प्रोटीन का पाचन करने में काम करते हैं। प्रोटीन और रेनिन भी, लेकिन रेनिन जो है वो दूध को दही में बदल देता है। क्या कहेंगे भैया, ये क्या लिखा है, केसिन को मिल्क में से। सपोज करिए ये आपका दूध है पूरा का पूरा, आपका मान लीजिए मिल्क है पूरा का पूरा। अब आपने देखा होगा जब मिल्क को आप फाड़ देते हैं, इन द सेंस अगर इसमें आप नींबू मिला देंगे तो आपका जो तरल पदार्थ है वो ज़्यादा अमाउंट में रहेगा और सॉलिड थोड़ा सा ही रह जाएगा। आप अगर 1 किलो दूध को फाड़ेंगे तो उसमें थोड़ा सा आपको पनीर देखने को मिलेगा, लगभग 100-150 ग्राम पनीर देखने को मिलेगा आपको, ये 200 ग्राम देखने को मिलेगा। तो वो जो पनीर वाला पार्ट होता है उसको केसिन बोलते हैं, और केसिन प्रोटीन के नाम से ये बिकता है बाजार में, और केसिन प्रोटीन ही आपका सबसे देर में डाइजेस्ट होता है, इसलिए इसको स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन भी बोला जाता है। और उसी के साथ साथ में केसिन प्रोटीन महंगा भी बहुत आता है, और इसीलिए बॉडी बिल्डर्स इसको रात में यूज करते हैं, क्योंकि इट टेक्स 6 to 7 hours टू डाइजेस्ट। तो ये स्लो डाइजेस्टिव प्रोटीन है, और बाकी आपका जो मिल्क में पानी बच गया, आपका एक तो सॉलिड पार्ट हो गया जिसको आप पनीर का नाम दिया, और सॉलिड पार्ट इज इक्वल टू केसिन, सॉलिड पार्ट इज इक्वल टू केसिन, और जो आपका लिक्विड पार्ट इज इक्वल टू आइसोप्रोटीन मेनली आपका यहां से। तो आपने सुना होगा कि लिक्विड पार्ट में भी आपके अलग अलग, जो आप आज के टाइम में प्रोटीन देखते हो कि कौन सा है भैया, वे प्रोटीन जो आपने नाम सुना है, आइसोलेट, तो जो वे प्रोटीन है, वे प्रोटीन क्या है, वो आपका लिक्विड पार्ट है। केसिन प्रोटीन क्या है, वो सॉलिड पार्ट है। बात समझ में आ गई? महंगा है इसलिए रात को खाते हैं, नहीं, महंगा है इसलिए रात को नहीं खाते हैं, इसका डाइजेशन थोड़ा सा स्लो है। इसको प्रोसेस भी देखो कि सॉलिड निकालने के लिए, आप ये देखो, उसके बाद में जो आपका लिक्विड है, तो यूं लगा लो 200 किलो दूध से 1 किलो आपका
वे प्रोटीन बनता है 200 किलो दूध से। तो वे प्रोटीन भी काफ़ी महंगा आता है, ये भी 1 किलो अगर बाजार में लेने जाएंगे तो लगभग 2200 रुपये का या फिर 2500 रुपये का, वेरी ऑन द ब्रांड्स, तो 2200 से 2500 रुपये का 1 किलो आपका अच्छा खासा प्रोटीन देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका रेनिन, दूध को दही में कौन कन्वर्ट कर रहा था, तो रेनिन प्रोटीन। उसके बाद में अगर आपसे कुछ पूछ ले कि कार्बोहाइड्रेट्स, इसमें भी 4 किलो कैलरीज होती हैं 1 ग्राम में, प्रोटीन में भी 4 किलो कैलरीज होती हैं 1 ग्राम में, और फैट में होती हैं 9 किलो कैलरीज 1 ग्राम में। कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन कौन करेगा भैया, एमाइलेज करेगा, और तोड़ेगा किस में भैया, शुगर्स में, यानी कि हमारा किस में टूटेगा भैया कार्बोहाइड्रेट्स, तो ग्लूकोज में टूटेगा। तो ग्लूकोज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन जो है उसका पाचन रेनिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन ये सब कर देते हैं, और जो प्रोटीन है वो किस में टूटता है, एमिनो एसिड्स में। तो स्मॉलेस्ट जो आपकी प्रोटीन की यूनिट रहेगी वो क्या रहेगी, एमिनो एसिड। उसके बाद में फैट जो है वो कौन तोड़ेगा भैया, लाइपेस तोड़ेगा, और लाइपेस एक एंजाइम है, और ये फैटी एसिड्स में टूटेगा आपका, फैट जो है फैटी एसिड्स में टूटेगा। क्या ये बात समझ में आई है आप सभी को? नीलेश ठाकुर, टाइम पास सेशन, टाइम पास सेशन है, हाँ नीलेश, लो ऐसे टाइम पास वालों को करेंगे भी क्या, हम हटा दिए हैं हम तो ऐसे टाइम पास वालों के लिए एक ही जवाब है, पतली गली से निकलो, ठीक है, तुम्हारा कोई काम नहीं है, जिनका टाइम वेस्ट हो रहा है या टाइम पास है तो वो यहाँ से निकलो यार, तुम्हारे लिए हम हैं ही नहीं, तुमको क्या ज़रूरत है पढ़ने की, तुम तो बड़े विद्वान लोग हो भाई, तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इन क्रिकेट कवर ड्राइव ऑल्सो कॉल्ड, कवर ड्राइव को और किस नाम से जाना जाता है क्रिकेट में, किसी ने बुलाया है क्या, और बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये बात तो पहले ही बताया था चलो अरे ये वैसी है, इधर उधर की कोचिंग वोचिंग चलती रहती, तुम्हें पता है दुनिया भर में दुनिया की कोचिंग चलती रहती है, बस हम ही हैं जिन्हें किसी से लेना देना नहीं है, पर दुनिया ऐसी है कि मतलब कि वो कैसे कर रहा है, उसके क्या इतने व्यूज कैसे आ रहे हैं उसके, अरे तुम भी मेहनत करो, तुम भी पढ़ाओ, तुम्हारे में भी आएंगे। तो ये वही लोग करवाते हैं जो इधर उधर पढ़ाते रहते हैं ना, वही लोग करवाते हैं इन्हें जानबूझ के कि जाओ उनका सेशन खराब करने की कोशिश करो। तो भैया उनका क्या सेशन खराब करेगा जिसका ऊपर वाले ने हाथ पकड़ रखा है, हाँ भाई बच्चों का प्यार हमारे साथ है, ऊपर वाले का हाथ हमारे सर पे है, माँ बाप का आशीर्वाद है, हमारी मेहनत है, कौन क्या बिगाड़ लेगा। तो जिसने ऑफ ड्राइव दिया है भैया, ऑफ ड्राइव बिल्कुल करेक्ट है भैया, ठीक है फ्री फंड का हजम नहीं हो रहा, ठीक है, ऑफ ड्राइव बोलते हैं भैया इसको। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द टाइडल वॉल्यूम ऑफ ए पर्सन ड्यूरिंग एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के दौरान आपका टाइडल वॉल्यूम क्या रहता है, एक्सरसाइज के दौरान, फ्री का हजम नहीं होता, ये बात भी सही है, फ्री का हजम नहीं होता है, यही लोग जब पैसे दे के आते हैं तो ये ढंग से सुनते हैं फिर अभी ये दूसरे फोन से कनेक्ट होके देख रहा होगा, डेफिनेटली देख रहा होगा, कमेंट भी नहीं करेगा, अभी चुपचाप बैठ के सुनेगा, क्योंकि कमेंट कर दिया तो उससे भी हटा देंगे। 3 लीटर, हाँ 3 लीटर क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द टाइडल वॉल्यूम ऑफ ए पर्सन ड्यूरिंग एक्सरसाइज। देखिए नॉर्मल जो टाइडल वॉल्यूम रहता है वो 500 ml रहता है भैया, नॉर्मल 500 ml रहता है टाइडल वॉल्यूम, लेकिन एक्सरसाइज करते करते ये डिपेंड करता है आपका बढ़ जाता है, ठीक है ओके, कोई नहीं यार इग्नोर करो, अब आगे चलते हैं भैया। और अमाउंट ऑफ एयर इनहेल और एक्सहेल इन वन ब्रीथ, इसी को टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। उसी के साथ साथ में आज
जो लोग पेड क्लास वाले हैं उसमें हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो बहुत बढ़िया शानदार रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट होगा। तो हमारा जो ईएमआरएस का सिलेबस है, ईएमआरएस में आपको पता है डाइजेस्टिव सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, उसके बाद में रेस्पिरेटरी सिस्टम है और आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है। चारों सिस्टम जो है कवर हो जाएंगे जब हमारा आज का कवर हो जाएगा। तो ये चारों तो सिस्टम कवर हो जाएंगे, इन्हीं के साथ साथ जितने भी एग्जाम है उनमें भी मेनली यही सिस्टम्स है जिनसे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि मस्कुलर सिस्टम तो आधा सिस्टम तो यही है फिजिकल एजुकेशन में। तो ये कवर हो जाएंगी चीज़ें। और जिन लोगों ने नहीं कर रखी है, देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम मेरा शायद यूट्यूब पे है तो उसको देख लेना, मस्कुलर सिस्टम भी यूट्यूब पे उसको देख लेना, रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर है तो देख लेना, ये तो मिल जाएगा आपको सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइनोवियल जॉइंट, इनमें से कौन सा साइनोवियल जॉइंट नहीं है। देखिए अगर हम बात करें आपके जॉइंट्स की, तो आपके कितने प्रकार के जॉइंट्स देखने को मिलते हैं, तीन प्रकार के। एक होता है आपका फाइबरस जॉइंट, तो फाइबरस जॉइंट इनको एफ से फाइबर, एफ से फिक्स भी बोल सकते हैं कि भैया जो फिक्स जॉइंट होते हैं। अगले आते हैं कार्टिलेजेनियस, कार्टिलेजेनियस की अगर हम बात करें तो ये सेमी मूवेबल या स्लाइटली मूवेबल जॉइंट कहलाए जाते हैं, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट बोलते हैं। उसके बाद में साइनोवियल जॉइंट आते हैं जिसके अंदर साइनोवियल फ्लूड भरा रहता है, ये पूरा का पूरा फ्रीली मूवेबल जॉइंट रहते हैं भैया, आराम से घूम सकते हैं। इनको और भी याद करने का तरीका है, मेरी वीडियो देख लेना एक टाइप्स ऑफ जॉइंट्स की, यूट्यूब पे पड़ी हुई है टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। आज एक वीडियो मैंने डाली गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट, बहुत शानदार वीडियो है, आप जाके देखना, प्रैक्टिकल मेरा रिव्यू है उसमें कि मतलब कि कैसे गवर्नमेंट और प्राइवेट में क्या क्या डिफरेंस है। मैं प्राइवेट में जॉब कर रहा हूँ तो मुझे क्या क्या तकलीफ़ें आ रही हैं और क्या क्या फ़ायदे मिल रहे हैं, गवर्नमेंट में कितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको क्या क्या फ़ायदे मिल रहे हैं। तो बहुत शानदार वीडियो है, मस्ट वॉच, गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट बाय मोनू मधुकर। अब आगे हम देख लेते हैं इसी को, तो ये जो साइनोवियल जॉइंट है इसमें कौन सा पार्ट नहीं है, तो फाइबरस जॉइंट है, तो फिक्स हो गया तो ये साइनोवियल कैसे होगा, पीवेट हो गया, सेडल हो गया, हिंज जॉइंट हो गया, उसके बाद में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गया सॉरी उसके बाद में प्लेनर जॉइंट हो गया, प्लेन जॉइंट, वो सारे के सारे आपके साइनोवियल के ही पार्ट हैं। तो साइनोवियल के छह पार्ट देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो आपका पिवेट जॉइंट देखने को मिलता है, आपकी गर्दन में देखने को मिलता है जिससे कि आप मूव कर सकते हैं एटलस एक्सिस जॉइंट पे, और आपको रिस्ट में देखने को मिलता है यहाँ पर, ये देखो पिवेट हो रही है ना हमारी रिस्ट जो है, रेडियस अल्ना इस तरीके से मूव कर रही है पिवेटिंग यहाँ के कारण। उसके बाद में आपको देखने को मिलता है हिंज जॉइंट यानी कि कब्जा संधि, जो कि सिर्फ फ्लेक्शन और एक्सटेंशन हो सकता है, तो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन के बहाने मैंने बाइसेप्स भी दिखा दिए। उसके बाद में आपका सैडल जॉइंट है, सैडल जॉइंट की अगर हम बात करें तो सैडल जॉइंट आपका कहाँ पाया जाता है, अंगूठे में पाया जाता है। उसके बाद में आपको देखने को मिलता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपका हिप में देखने को मिलता है, शोल्डर में देखने को मिलता है, और आपका कॉन्डिलॉइड जॉइंट देखने को मिलता है फिर आपका कार्पल्स में, और प्लेनर जॉइंट बिल्कुल अंदर की तरफ कार्पल्स के अंदर। अब देखो समझ में नहीं आ रहा होगा, सर कॉन्डिलॉइड जॉइंट तो कार्पल्स में और प्लेन जॉइंट भी कार्पल्स में बता रहे हो, जो रेडियस और अल्ना आ रहा है जहां पर ये अटैच हो रहा है कार्पल से वो हो गया आपका कॉन्डिलॉइड जॉइंट, जो आपके अंदर कार्पल्स हैं इन कार्पल्स के आपस का बीच का अंदर का जो कार्पल्स या आपके टार्सल्स इनके आपस के बीच का जॉइंट जो एक दूसरे पे घिसते हैं ऐसे प्लेन, इसी को हम प्लेनर जॉइंट या प्लेन जॉइंट या ग्लाइडिंग जॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कि पेलेग्रा इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, पेलेग्रा किसकी कमी के कारण देखने को मिलता है। लाइक भी कर दिया करो भाई सभी, भाई ये बात तो सही है, सर जी प्राइवेट से भाग रहे हैं इसलिए तो गवर्नमेंट चाहिए, हाँ सरकारी की बात ही अलग है, मैं सब बताया उसमें ए टू जेड चीज बताइए, एक ना मतलब जो रियलिटी होती है ना जो आपको कोई नहीं बताएगा वो मैंने वहां पे चीजें बताई हैं आपके। तो जिसने भी
विटामिन बी दिया है, बी थ्री दिया है। देखिए बी थ्री, इसी को हम पीपी विटामिन बोलते हैं। पीपी विटामिन क्यों? क्योंकि ये पेलेगरा को प्रिवेंट करता है। तो पेलेगरा, पी से पेलेगरा, पी से प्रिवेंटिव, तो पेलेगरा प्रिवेंटिव विटामिन, इसीलिए इसको बोलते हैं। ठीक है, बी फाइव हो गया आपका पेंटाथोनिक एसिड, बी सेवन आपका हो गया बायोटीन, बी नाइन हो गया आपका फॉलिक एसिड। ठीक है, और जिसको विटामिन्स पढ़ने हो मेरी वीडियो देखना, विटामिन्स बाय मोनू मधुकर। ठीक है, विटामिन्स बाय मोनू मधुकर आपको मिल जाएगी। बढ़िया, उसके बाद में यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट। मैं एक एक को एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने विटामिन्स बहुत अच्छे से डीपली पढ़ा रखे हैं। तो यू कैन वॉच इट और टेक ए स्क्रीनशॉट, और आप इसके नोट्स बना सकते हैं। उसके अलावा विटामिन डी के कारण आपको रिकेट्स देखने को मिलता है, ए के कारण आपको नाइट ब्लाइंडनेस देखने को मिलता है, के कारण आपके जो ब्लीडिंग है वो होती रहती है, यानी कि विटामिन के आपका खून का थक्का जमाने में मदद करता है। उसके बाद में बेरी बेरी विटामिन बी वन की वजह से होता है। सॉरी यार, आज ना थोड़ा सा कोल्ड हो गया। उसके बाद में राइबोफ्लाविन बी टू की वजह से आपके एरिब्रो फ्लाविनोसिस हो जाता है। नियासिन, ये कभी कभी एग्जाम में आता है, नियासिन आपको देखने को मिलेगा, इससे हमेशा पूछा जा सकता है। बी थ्री पेलेग्रा किसके कारण होता है? बी थ्री के कारण, पेंटाथोनिक एसिड के कारण आपके पैरों में, आपके तलुओं में जलन देखने को मिलती है, ये चीज़ आपने महसूस करी होगी। एस्कॉर्बिक एसिड के कारण आपका स्कर्वी देखने को मिलता है, ये बहुत बार पूछा जाता है। बायोटिन के कारण आपके बालों के रोग और डर्मेटाइटिस देखने को मिलता है, और आपके बी ट्वेल्व के कारण आपको एनीमिया देखने को मिलता है, खून की कमी देखने को मिलती है। तो आप ये कुछ चीज़ें जो मैंने हाईलाइट कर रखी हैं, जैसे कि एस्कॉर्बिक एसिड हो गया, ये हो गया, फोलिक एसिड हो गया, बायोटीन हो गया, नियासिन हो गया, और आपका थायमिन हो गया, ये चारों हो गए, ये सभी आप अच्छे से कर लेना। कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पी ली होगी सर, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता मैं। नेक्स्ट वन इज स्पेस बिटवीन ए न्यूरॉन। एक न्यूरॉन है, मान लो, सपोज करिए कि दिस इज ए न्यूरॉन एंड दिस इज ए न्यूरॉन, तो व्हाट इज द स्पेस बिटवीन द न्यूरॉन इज नोन एज, ये बीच का स्पेस क्या कहलाएगा? हाँ भाई, जिसने भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दिया है, जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। देखिए न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की बात करें तो यहां पर पूछ रहा है कि वो तो आपका जो मैंने बोल दिया, ये तो आपका साइनेप्स कहलाएगा भैया, साइनेप्स, मैंने गलती से लिख दिया दो न्यूरॉन्स के बीच में। यहाँ पर पूछा न्यूरॉन और मसल्स, यही तो हो जाता है एक टीचर बनने के बाद में, आलसी हो जाता है इंसान थोड़ा सा ना, ज़्यादा पढ़ता नहीं अच्छे ध्यान से क्वेश्चन को। देखिए न्यूरॉन लिखा हुआ है, और न्यूरॉन और मसल के बीच में क्या होगा? तो जहाँ पर भी दो चीज़ों का मिलन होता है वो जंक्शन कहलाता है। जैसे कि किस सोच में पड़ गए सर जी, मैं कमेंट पढ़ने लग गया था और मैं उसका मतलब उसको थोड़ा सा सोच रहा था कि किस संदर्भ में ये कमेंट किया जा रहा है, पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में है, तो मैंने छोड़ दिया फिर उसको। ठीक है, तो ये जंक्शन है, समझ जाते हो तुम वैसे मुझे, तो वो कमेंट देख रहा था इसलिए। तो जैसे कि अब आप ये देखते होगे कि आपने सुना होगा नाम, जैसे कि दिल्ली जंक्शन, यहां पे आपने देखा होगा कि ट्रेन आएगी और एक रास्ते के यहाँ पे भी और यहाँ पे भी इस तरीके से कानपुर जंक्शन, तो मतलब कि दो जगह से ट्रेन आ सकती है ऐसी जगह पे। उसी तरीके से आपने सुना होगा टर्मिनल, टर्मिनल का मतलब है इसके बाद में कोई आगे जगह नहीं है, यहीं पे गाड़ी खत्म होती है। जैसे कि आनंद विहार, क्या नाम है उसका,
ANVT आनंद विहार टर्मिनल, ठीक है। तो ये टर्मिनल मतलब कि आगे कुछ भी नहीं है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेट लिफ्टिंग में बताना है व्हाट इज द कलर ऑफ 25 kg एंड 2.5 kg डिस्क। मैंने बताया था आपको कि जो कलर होता है 0.5 kg और 5 kg, ठीक है, 1 kg और 10 kg, उसके बाद में आपका 1.5 kg और 15 kg, 2 kg और 20 kg, 2.5 kg और 25 kg, इनका सभी का कलर जो है वो क्या रहता है, सेम रहता है। मतलब कि ढाई इसका सेम, इनका सेम। तो यहाँ पर पूछ रहा है आपसे कि 25 और 2.5 का सेम रहेगा, क्या क्या कलर रहते हैं इनके, एक बार देख लेते हैं। वैसे तो आप सभी को पता है, यू आर वेल एक्सपीरियंस। सबसे पहले तो हम इसकी बात कर लेते हैं शुरुआत में ही। सॉरी, पहला आपका क्या है भैया, वाइट कलर का रहता है भैया, वाइट कलर, सफेद कलर रहता है। फिर आपका ग्रीन कलर देखने को मिलता है, फिर आपको येलो कलर देखने को मिलता है, फिर आपको ब्लू कलर देखने को मिलता है, फिर आपको रेड कलर देखने को मिलता है। ये कोई पढ़ थोड़ी रखी है हमने चीज़ें, ये तो मेहनत कर रखी है इसलिए पता है। डेली प्लेट उठाओगे तो तुरंत पता लग जाएगा। हाँ भाई, तो ये लिख लो भैया, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट ऐसे। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। आपसे दिल से जुड़े हुए हैं और हम दिमाग से, भाई हम भी दिल से जुड़े हुए हैं। तो रेड कलर जिसने दिया है बिल्कुल करेक्ट है। दिल से ना जुड़े हो तो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए कोई ना बनाए, समझ रहे हो। आए चुपचाप आए, चार क्वेश्चन कराएं और चले जाएं, क्योंकि जिनको पेड कोर्स लेना है वो तो ले ही लेंगे, लेकिन हम चाहते हैं सभी तक नॉलेज पहुंचे, क्योंकि पेड क्लास वाले भी इसमें जुड़ते हैं जितने भी बच्चे हैं, और यूट्यूब वाले भी अब नहीं भूलेंगे, भूलना भी नहीं है। ठीक है, तो ये वाइट कलर से शुरुआत होती है, देखो वाइट कलर आपका, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ब्लू और फिर रेड कलर देखने को मिलता है। उसी तरीके से शुरुआत चलती रहती है, फिर 5 kg, फिर 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg, ये भी इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो और नोट्स बनाओ जम के। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद लिख दो यार, और लाइक करो यार, जोश की कमी है, मेरी तबीयत खराब है फिर भी मैं तुम्हारी क्लास कभी भी ये नहीं सोचता कि आज छोड़ दो, अंटिल एनालिस कुछ ज़्यादा ही खराब हो। जब फाउल हो जाता है ट्रिपल जंप में उसको क्या बोला जाएगा, क्या बात है। देखो एक ट्रिक दी है भैया अनूप तिवारी ने, वो गया या बाहर रोड पर है, ठीक है, क्या लिखा है, वो गया या बाहर रोड पर है, मतलब क्या है, वाइट 5 kg, ग्रीन 10 kg, येलो 15 kg, ब्लू 20 kg और रेड 25 kg। क्या बात है आरूप, बहुत बढ़िया। चलो लाइकों की संख्या तो कह के भी नहीं बढ़ाएंगे। तो इसको क्या बोलते हैं जिसने ए दिया है भैया, स्क्रैच, बिल्कुल करेक्ट आंसर है भैया, जिसको नहीं पता था आज पता लग गया होगा। ठीक है, तो इसमें ट्रिपल जंप में देखो अप्रोच रन, होप, स्टेप, जंप और लैंडिंग देखने को मिलती है आपको, न्यू क्वेश्चन है कह रहे हैं। नेक्स्ट वन इज, न्यू क्वेश्चन तो हम लेके ही आते हैं बहुत सारे, आप ध्यान से देखो। पर व्हाट इज द कंप्रेशन टू ब्रीथ रेशो व्हाइल एडमिनिस्ट्रेटिंग CPR, ये क्वेश्चन पूछ लिया था। CPR की फुल फॉर्म असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में अभी आई थी गुजरात में। कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेशन कितनी बार बताता हूँ, बातों ही बातों में जब भी आ जाती है CPR की। भाई ये फिजिक PE वाला जो है ये कौन सी भाषा लिख रहा है तो मुझे नहीं पता है।
चलिए, जिसने भी बी दिया है, 30 चेस्ट कंप्रेशन फिर 2 प्रेस, ऐसा है क्या? एक ही बात हो गई है तो 30 चेस्ट कंप्रेशन और 2 माउथ टू माउथ ब्रीथिंग, यानी कि आर्टिफिशियल ब्रीथिंग जिसे बोलते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आप सभी को। नेक्स्ट वन इज इन विच, अब यहां पर ये एक चीज और देख लेना, जो अडल्ट्स हैं उनको हम कैसे देते हैं सीपीआर, उनके लिए ये हाथ मान लो एक हाथ है और ये हाथ है दूसरा, चोट लग गई देखो मेरे हाथ में, ठीक है, ये इस तरीके से हाथ को रख के और फिर चेस्ट पे रखते हैं और फिर प्रेस करते हैं इस तरीके से, ज्यादा भी नहीं प्रेस करते, कम भी नहीं करते, पूरा मीडियम प्रेशर जनरेट करते हैं। तो एडल्ट्स को इस तरीके से देते हैं, जो बच्चे रहते हैं छोटे बच्चे उनको डायरेक्टली आप इस तरीके से एक हाथ से प्रेशर देते हैं, और जो और भी छोटे बिल्कुल दुधारू बच्चे होते हैं उनको आप इस तरीके से 2 फिंगर्स से प्रेस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज द वायरस डायरेक्टली अफेक्ट्स आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, घुमा के क्वेश्चन पूछा है लेकिन आप कर दोगे आराम से। सर कल क्लास अटक गया था, कोई बात नहीं आज देख लो, अब गुजराती आ गए। यही तो भारत की एक ब्यूटी है कि डाइवर्सिटी नेचर, तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी। चलो बहुत बढ़िया, उड़ीसा के बच्चे हैं, अच्छा जुड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया भाई, उड़ीसा वाले भी बहुत शानदार है, आपके जितने भी हरियाणा वाले, गुजरात वाले, पंजाब वाले, महाराष्ट्र वाले, दिल्ली वाले, एमपी वाले, सब बढ़िया। तो ये हो गया, क्या क्या है भैया? रेबीज जिसने भी दिया है बिल्कुल करेक्ट है भैया, रेबीज को ही क्या बोलते हैं भैया? जूनोटिक डिजीज बोलते हैं, जूनोटिक मैमल्स से होने वाली डिजीज, मैमल्स से होने वाली डिजीज। उसी के साथ साथ में आपकी जो रेबीज है इसी को कुत्ते के काटने से, यानी कि डॉग से काटने से, मंकी के काटने से, मंकी के साथ साथ और भी जो जंगली जानवर होते हैं, जंगली जानवर उनके काटने से ये देखने को मिलती है। जो आपके रेबीज होती है इसमें वाटर से डर लगने लगता है, वाटर से डर लगता है, यानी कि हाइड्रोफोबिया हो जाता है, हाइड्रोफोबिया हो जाता है। क्लियर भाई? तो सी जिसने भी दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन इज पाइथियन गेम्स वर सेलिब्रेटेड इन, आपको क्वेश्चंस ऐसे देखने को मिलेंगे कि आपको भरमार देखने को मिलेगी। HSSC का कब आएगा रिजल्ट? ये सुनने में आ रहा है कि HSSC का रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है, 15 या 16 तारीख को आपको देखने को मिलेगा। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम साउथ कोरिया, कुछ भी स्वाद ले लो तुम कुछ भी, साउथ कोरिया में ये कर रहे हो क्या तुम? वाह। तो उसके बाद में अगर हम बात करें तो लाइक की संख्या क्यों नहीं है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है सर जी, कभी आप वाली बातें, यूपी वालों की बातें बोल दिया कर रहा है, यूपी में तो दिल बसता है, वो बात अलग है कि जुबान केसरी है हमारी चलो तो उसके बाद में अगर हम बात करें तो पाइथियन गेम्स, ये देखो हिस्ट्री के क्वेश्चंस, आपके सारे क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, डेल्फी। ठीक है, डेल्फी। उसके अलावा जो अगर हम बात करें कॉर्निथ में कौन से गेम्स होते थे, तो इस्थामियन गेम्स और एर्गोलिस में आपके निमानियन गेम्स होते थे। इनको पढ़ने के लिए आपको सीधा टाइप करना है ओलंपिक्स बाय मोनू मधुकर। ठीक है, इसमें आपको 2 ओलंपिक्स देखने को मिलेंगे, एक तो देखने को मिलेगा एंशियंट ओलंपिक, एंशियंट ओलंपिक बाय मोनू मधुकर एंड मॉडर्न ओलंपिक बाय मोनू मधुकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द IAAF व्हाट शुड बी द विथ ऑफ ईच लेन इन एथलेटिक्स ट्रैक, एथलेटिक ट्रैक में लेन के बीच की चौड़ाई कितनी होती है?
उड़ीसा वालों ने आग लगा रखी है भाई, कसम से बता रहा हूँ भाई, सच में यूपी एमपी वाला इतने ढीले पड़ गया मामला, उड़ीसा वालों ने तो उधम मचा रखा है, क्या बात है भाई, ना डटना रे। तो 1.22 देखो विथ की जब भी बात आती है एथलेटिक ट्रैक एंड फील्ड की, तो आपकी 1.22 राइट आंसर यही रहेगा। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द हाइट ऑफ ए हर्डल इन 3000 मीटर स्टिपल चेज, वुमेन स्टिपल चेज, महिलाओं में पूछ रहे हैं भैया, याद रखना। सॉरी रटा पड़ा है, अच्छा 1.22। तो जिसने राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दिया है 0.762, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट प्रोड्यूसेस अलर्टनेस एंड इंक्रीज एबिलिटी टू कंसंट्रेट इन स्पोर्ट्स पर्सन, हरदोई विजय कुमार, क्या बात है, अपने अपने स्टेट का एक बार कमेंट कर दो भाई, कहां कहां से हो आप। तो जिसने राइट आंसर स्टिमुलेंट दिया, देखो क्या लिखा हुआ है, ये अलर्टनेस को बढ़ाता है कौन, तो स्टिमुलेंट। उसके साथ साथ में अगर हम बात करें तो आपको तीन चार चीज़ें ध्यान रखनी है, जैसे कि आपके स्टिमुलेंट जो होते हैं ये आपको क्या करते हैं, अलर्टनेस बढ़ाते हैं, जैसे कि चाय कॉफ़ी एक स्टिमुलेंट की तरह है, और ये एक तरीके से इनके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, हार्ट फेलियर, चाय कॉफ़ी के नहीं है, स्टिमुलेंट जो स्पेसिफिकली एज सप्लीमेंट लेते हैं उनके लिए, जैसे कि टेनिस प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर और जितने भी आपके रनर्स हैं सभी ये लेते हैं। स्टेरॉइड की बात करें तो ये मसल को बढ़ाने का काम करता है, और उसी के साथ साथ में वेट लिफ्टर्स, पावर लिफ्टर्स और ये सभी स्टेरॉइड्स लेते हैं, बॉडी बिल्डर्स, ठीक है। उसके बाद डायरेटिक्स की बात करें तो डायरेटिक्स हमारी बॉडी में से पानी निकालने का काम करता है, यानी कि फ्लूइड को रिमूव करता है, तो ये सीवियर डिहाइड्रेशन कर देता है। उसी के साथ साथ में इसको लेंगे कौन, इसको जितने भी वेट कैटेगरी वाले गेम हैं, वेट कैटेगरी वाले गेम, जैसे कि आपको देखने को मिलेंगे वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग हो गया, उसके बाद में जूडो हो गया, रेसलिंग हो गया, और आपके बॉक्सिंग हो गया, ये ईपीओ एरिथ्रोपोइटिन की बात करेंगे, ये आपके एनर्जी देते हैं क्योंकि ये स्टेमिना बढ़ाते हैं, तो स्टेमिना बढ़ाने के लिए जितनी भी चीज़ें हैं वो स्टेमिना कैसे आरबीसीज इंक्रीज कर देते हैं, तो आपको जितने भी एंड्योरेंस वाले गेम है उसमें ईपीओ लेते हैं। बीटा ब्लॉकर्स की बात करें तो हार्ट बीट को कम करने का काम करते हैं, तो आपके जितने भी प्लेयर्स हैं जिनमें कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, लाइक स्नूकर्स हो गया, फिर आपको बिलियार्ड हो गया, और उसके साथ साथ में आपके आर्चरी वाले प्लेयर्स हो गए, शूटिंग वाले हो गए, शूटर्स हो गए, तो ये सभी इनका लेते हैं, तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट, ठीक है। नेक्स्ट, When was the first national sports policy announced? बहुत बढ़िया भाई, आपने अभी सभी के कमेंट किए बीपीएड के एडमिशन के लिए फ्रॉम उत्तर प्रदेश, बहुत बढ़िया भाई, फिजिकल एजुकेशन अमित, बहुत शानदार। देखो अभी बीपीएड में पहुँचे हैं, अभी चार साल तुरंत बीत जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा, फिर नौकरी की तैयारी करोगे, तो बहुत बढ़िया जर्नी रहने वाली है। जितने लोग हैं जिस भी जर्नी में है, अपनी जर्नी का एंजॉय करो, क्योंकि वो जर्नी वापस लौट के नहीं आने वाली है, जो आपकी प्रिपरेशन वाली जर्नी है ये वापस नहीं आएगी, जब नौकरी में लग जाओगे फिर क्या यार, क्या पढ़ते थे उस टाइम पे, हम किताबें पढ़ते थे, वीडियो देखते थे, ये सारी चीज़ें रह जाती हैं। तो डी 1984 बिल्कुल करेक्ट है, 1984। अगला क्वेश्चन है वो हैड पार्टिसिपेटेड इन समर ओलंपिक्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम टिल नाउ, 10 बार पार्टिसिपेट किया है जिसने, इनमें से, बहुत बढ़िया शानदार भाई, बिहार, प्रीति। अब कहोगे प्रीति का कमेंट क्यों पढ़ा सर, प्रीत का क्यों नहीं पढ़ा,
उनने इतने सारे दिल लगा के हाथ जोड़े, एक ही बार में समझ में आ गया, बाकी के दिख नहीं रहे, समझ रहे हो? सर आप कहाँ से हैं? हम हैं हिंदुस्तान से। तो जिसने भी राइट आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, लैन मिलर, बिल्कुल करेक्ट है भाई, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन इज, इन विच ईयर वॉलीबॉल बिकम ए पार्ट ऑफ समर ओलंपिक्स। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा बिहार की धरती से नमन। हरियाणा से, झारखंड से, बहुत बढ़िया। सर इतना डीप पढ़ा देते हैं कि नहीं लेते हैं पैक। यूपी सुल्तानपुर, तो बी जिसने भी दिया है 1964, बिल्कुल करेक्ट है 1964, याद रखना ये क्वेश्चन आ सकता है। एशियन गेम्स का क्वेश्चन आजकल ज़्यादा पूछ रहे हैं, तो एशियन गेम्स आपका 1958 में, एशियन गेम्स के ज़्यादा पूछ रहे हैं, ओलंपिक्स से तो पूछते ही हैं, अभी एशियन गेम्स में घुस गए हैं। मेरी वीडियो देख लेंगे, उसके बाद में फिर कहेंगे कि अब इसको हटा दो। नेक्स्ट वन इज, पॉजिटिवली एक्सेलरेटेड कर्व ड्यू टू द डेवलपमेंट इन द परफॉर्मेंस इज कॉल्ड। टोक्यो ओलंपिक्स फर्स्ट टाइम इन एशिया, बी बिल्कुल, लेट्स नो, काफ़ी कुछ जानते हैं, लेट्स नो, लेट्स नो ने आग लगा रखी है भाई। आप उड़ीसा बोल रहे थे। जिसने भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दिया है, कॉनकेव कर्व। अब बहुत लोगों को पता नहीं होगा, देखिए ये आपको कभी भी देखना, स्लो बिगिनिंग के साथ साथ जो नए बच्चे होते हैं उनकी फटाफट से क्या होती है, स्पीड एक्सेलरेशन होता है, और जो आपके पुराने प्लेयर्स हो जाते हैं उनका प्लेटो आ जाता है, मेनली वो ज़्यादा नहीं सीख पाते जैसे नए सीखते हैं। अगला है, हाउ मैनी लेवल्स आर मेंशनड इन ए कोलबर्ग इन हिज मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। कोलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी में कितने लेवल्स बताए हैं? मैं जहां से क्लास ले रहा हूं वहीं मेरा घर है, गुड़गांव हरियाणा, यहीं से ये क्लास चल रही है। बहुत लोग मुझे मिलने भी आते हैं मेरे ऑफिस में, और स्वागत है आप सभी का भी, कभी आओ तो आराम से फोन फान करके आना, टाइम नहीं ले, दिल्ली गुड़गांव की तरफ तो आना, बेहतर तरीके से तुम्हारा यहाँ प्रदर्शन किया जाएगा यूट्यूब में। तो जिसने भी बी दिया है बिल्कुल करेक्ट है, तीन, कितने लेवल, तीन लेवल दिए हैं भैया, और ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो पहला लेवल आपका क्या है, प्री कन्वेंशनल लेवल, जो कि आपका 3 से 7 साल की उम्र के बारे में बताया जाता है, इसमें मॉरल रीजनिंग के बारे में, रिवॉर्ड पनिशमेंट के बारे में चीज़ें बताई होती हैं। नेक्स्ट लेवल है, वो है कन्वेंशनल लेवल, जो कि 8 से 13 साल की उम्र के लिए बताया गया है। फिर पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है, ये आपका एडल्ट्स के बारे में, इसमें मॉरल रीजनिंग बेस्ड ऑन द पर्सनल एथिक्स की, भैया अब ये आपकी ड्यूटी है समाज में, आपकी क्या ड्यूटी है, जब इंसान समझदार हो जाता है तब इस लेवल पर पहुँचता है। तो ये बच्चों वाला लेवल, ये आपका बच्चों के साथ साथ में मध्य बच्चों वाला, जो थोड़ा सा आपके बॉयज़ वाला एटीट्यूड, उसके बाद में ये है मेंस और वुमेंस वाला एटीट्यूड, तो ये याद रखना, स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। सो अब हम बात कर लेते हैं उसके बारे में, जो पंजाब के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं कोई भी कोर्स, तो पंजाब के लिए भी भैया आ चुका है हमारा बैच, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, फतेह बैच इज फॉर यू। तो दिस इज द फतेह बैच फॉर द मास्टर कैडर, पंजाब में जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए। तो इसको कैसे परचेज करना है या फिर और बाकी बैचेस कैसे परचेज करने हैं उनके बारे में बता देता हूँ, जो पेड बैच लेना चाहते हैं उनके बारे में बता देता हूँ, बाकी आप लोग इसी तरीके से प्यार बरसाए रखो। सबसे पहले तो देखो आपको क्या करना है, किस तरीके से ऐप डाउनलोड कर लेनी है, ऐप कुछ इस तरीके से दिखेगी, बाकी एडवर्टाइजमेंट आती रहेगी। तो यहाँ पर
अड्डा 24/7 पे जाके आपको टीचिंग सेलेक्ट कर लेना है। पहले टीचिंग पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एक तरफ फीड, एक तरफ स्टडी मटेरियल आ जाएगा। स्टडी मटेरियल पे क्लिक करने के जस्ट बाद में प्रीमियम स्टडी मटेरियल पहला ही लिंक, और पहले वे आपको अड्डा का महापैक, टीचिंग का महापैक पहला कोर्स है। इसको सबसे पहले वाले को टीचिंग एग्ज़ाम का महापैक 15,000 कुछ लिखा होगा, इस पर क्लिक कर देना। यहाँ पर यूज़ कॉइन का ऑप्शन आएगा, इसको यूज़ कर लेना। नीचे आएगा यहाँ पर सी ऑफ़र, ब्लू कलर में छोटा छोटा लिखा रहता है, कोने में नहीं दिखेगा तुम्हें इधर से, तो ये सी ऑफ़र, इसको सी ऑफ़र को क्लिक कर लेना। इसमें ऑफ़र में कोड लगा लेना तुम्हारे भाई का, फिज़िकल एजुकेशन का एक ही कोड, दैट इज़ Y590, ठीक है। तो Y590 इसको अप्लाई कर देना, ठीक है। इसको अप्लाई करने के बाद में आप इसको परचेज कर सकते हैं आराम से, Y590 अप्लाई। अब ये 3300 समथिंग का हो गया है, इसको बाय नाउ कर लेना, ये ऑलरेडी परचेज मैंने खरीद रखा है इसलिए दिखा रहा है। अब इसमें जो आज आपकी क्लास चलेगी वो कहाँ चलेगी, उसके लिए आपको देखो क्या करना है, आपको सर्च करना है लक्ष्य 2.0। क्या सर्च करना है भैया? लक्ष्य 2.0, फिर आपको माई कंटेंट में मिल जाएगा, ठीक है। लक्ष्य 2.0, इसमें आप डायरेक्टली जाके अपनी क्लासेस रिज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डेली क्लासेस दिखा देगा, जैसे कि टुडे 6 PM यहाँ पर दिखा रहा है, ऑलरेडी क्लास आपकी स्टार्ट होने वाली है, और जो क्लास हो रखी है उसकी PDF आप आराम से यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरीके से आपको PDF दिख जाएगी, यहीं पे PDF दिख जाएगी। जो क्लास है उसको भी साइड से ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं, अगर किसी भी लेवल पे, लो लेवल पे, मीडियम लेवल पे, हाई लेवल पे डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर लेना। इसको बाद में देख सकते हैं, कहीं वाईफाई की सुविधा उपलब्ध है तो वहाँ से देख के फिर दूसरी जगह से पर्चिए, मतलब कि घर जाके आराम से देख सकते हैं। तो ऐसे आपको पूरी क्लासेस टॉपिक वाइज देखने को मिल जाएंगी। तो आपको जो जो टॉपिक पढ़ने हैं वो वैसे मैं टॉपिक वाइज ही पढ़ाता हूँ, तो टॉपिक आप भी अपने जिसके एग्ज़ाम आ रहे हैं तो कौन सा टॉपिक चाहिए वो देख सकते हैं, ठीक है। सर बस जॉब होने दो, ज़रूरी है, अच्छा मेहनत करते हैं, चलो। बाकी सर, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अंटिल वी मीट, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद। ध्यान रखो भाई, पेड़ वाले रेडी रहना।